नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षल चवन और आपका हर्षल टॉक्स में बेहद स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक अमेजॉन और फ्लिपकार्ट सेलर हो तो आपको बहुत बार कॉम्बो पैक्स की लिस्टिंग भी करनी होती है, जिसके अंदर आप 2 से 3 प्रोडक्ट आप कस्टमर को आपकी लिस्टिंग थ्रू ऑफर करते हो। इसी कंडीशन में आपको वो लिस्टिंग करते वक्त आपको जो मेन इमेज रहती है वहाँ पे आपको 2 से 3 प्रोडक्ट आपको एक ही इमेज में दिखाने रहते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि आपको एक 2 से 3 प्रोडक्ट का अगर एक कोलार्ज इमेज बनाना हो तो कैसे बनाना है। उसी के साथ आप अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हो तो आपको वो वीडियोस जब आप YouTube पे अपलोड करते हो तो आपको थंबनेल भी बनाना होता है, तो वो थंबनेल कैसे बनाना है। और उसी के साथ अगर आप एक बिजनेस पर्सन हो, आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हो या कोई मैन्युफैक्चरर हो, और अगर आपको आपका बिजनेस का प्रमोशन सोशल मीडिया पे करना है तो आपको पोस्टर्स बनाने होते हैं, तो पोस्टर्स भी कैसे बनाने हैं, ये सब चीजें आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, जो कि टोटली फ्री रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पे देखते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले Canva.com पे आना होगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे देखिए रखी हुई है। वहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। तो आपको आपके कौन से भी ब्राउज़र से गूगल पे आपको सर्च करना है www.canva.com। तो देखिए दोस्तों, हम अभी Canva.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी साइन अप करके रखा हुआ है। आपको यहाँ पे सिर्फ आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड सेट करके यहाँ पे लॉगिन होना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। क्रिएट डिज़ाइन में यहाँ पे सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, यूट्यूब आइकॉन का ऑप्शन है, यूट्यूब चैनल आर्ट का ऑप्शन है, यूट्यूब थंबनेल का ऑप्शन है। आप यहाँ से A4 डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हो, उसी के साथ लेटर हेड भी बना सकते हो, फेसबुक के पोस्ट भी बना सकते हो, यहाँ पे फ़ोटो कोलाज भी कर सकते हो। तो ये सबसे आसान वेबसाइट है जहाँ से आप बहुत सी मल्टीपल चीज़ें, पोस्टर्स, फ़ोटोज़, कोलाज फ़ोटो, यूट्यूब थंबनेल बना सकते हो। और ये टोटली फ्री है, आपको ये बहुत ईजी भी होगा। और ये खुद मैं पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हर एक अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट सेलर को कोई अगर कॉम्बो पैक बनाना हो तो उसके लिए उसे 2 से 3 प्रोडक्ट के फ़ोटोज़ कोलार्ज या मर्ज करने होते हैं। तो आपको जो पता ही होगा, जैसे कि अमेज़ॉन का रूल है कि 1000 by 1000 पिक्सल के ऊपर के फ़ोटो होने चाहिए। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे क्रिएट डिज़ाइन में ये सीडी कवर करके एक ऑप्शन है, क्योंकि इसका जो साइज़ यहाँ पे शो हो रहा है 1400 by 1400 पिक्सल्स का। तो ये 1000 by 1000 पिक्सल से ज़्यादा है, इसीलिए मैं हर बार कोई भी ई कॉमर्स पोर्टल पे कोई प्रोडक्ट अपडेट करना हो और उसे एडिट करना हो तो मैं यही ऑप्शन चूज़ करता हूँ। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है सीडी कवर के ऑप्शन पे। तो देखिए दोस्तों, अभी हम इनके सीडी कवर के ऑप्शन पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको इसके फंक्शंस के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे टेम्पलेट्स है। यहाँ पे उन्होंने बहुत से अलग अलग टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, जिनको आप चूज़ करके कोई भी अच्छा सा इमेज आप क्रिएट कर सकते हो। अभी तो फिलहाल के लिए हम सबसे पहले जो ई कॉमर्स पोर्टल पर जो प्रोडक्ट अपडेट करने होते हैं, कॉम्बो पैक बनाने होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहीं पर लेफ्ट साइड पर अभी यहाँ पे 1400 by 1400 पिक्सल का साइज का यहाँ पे ब्लैंक एक पेज ओपन हो चुका है। अभी आपको यहाँ पे सिर्फ ड्रॉप डाउन करना है और जो भी प्रोडक्ट के इमेजेस होगा वो आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे अपलोड्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ मैंने पहले से थंबनेल्स बना के रखे हुए, थंबनेल बनाने के लिए और प्रोडक्ट्स के यहाँ पे अपलोड करके रखे हुए हैं। तो अगर आपको कोई भी इमेजेस आपको यहाँ पे अपलोड करनी है या 2 आपको प्रोडक्ट्स के इमेज यहाँ पे मर्ज करना है तो सबसे पहले आपको अपलोड पे क्लिक करने के बाद अपलोड एन इमेज और वीडियो, वहाँ पे जो ये ब्लू लाइन दिख रही है इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको आपके कौन से भी फोल्डर से जो आप जहाँ पे आपके प्रोडक्ट के इमेजेस रखे हुए होंगे वहाँ से आपको आपके इमेज सिलेक्ट कर लेने हैं। जैसे कि अभी मैं एक वेजिटेबल कटर करके एक प्रोडक्ट है, तो इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसी के साथ अगर मुझे और कोई भी सिलेक्ट करने हो तो वो सब एक ही बार में मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे कि वेजिटेबल कटर के साथ मुझे यहाँ पे कॉम्बो बनाना है ये एप्पल कटर का, तो ये दो इमेजेस में सिलेक्ट करके यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे दोनों इमेजेस यहाँ पे आ चुके हैं। तो इसे देखिए अभी एक इमेज में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये यहाँ पे आ चुका है, और एक दूसरा इमेज भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे ब्लैंक पेज पे दोनों इमेजेस अभी आ चुके हैं। हमें सिर्फ इसे सिंपली अभी क्रॉप करना है। क्रॉप करने के लिए आप उसी इमेज को सिलेक्ट करके अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो आपके हिसाब से। तो देखिए अभी एक ही ब्लैंक पेज पे दोनों प्रोडक्ट के इमेजेस आ चुके हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ लिखना है तो यहाँ पे टेक्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड पे टेक्स्ट का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करके आप ऐड हेडिंग पे क्लिक कर सकते हो, जहाँ पे आप लिख सकते हो वेज कटर एंड एप्पल कटर कॉम्बो पैक। ये लिखने के बाद आप इसे साइज में छोटा कर सकते हो उसे सिलेक्ट करके। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे हमने वेज कटर और इसे भी ले लिया है एप्पल कटर को, और उसी के साथ उसे कुछ हेडलाइंस भी दी है। तो आप यहाँ पे ये भी सब चीज़ें कर सकते हो। उसी के साथ अगर आपको यहाँ पे कोई फ्री का लोगो भी लगवाना है तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे टेक्स्ट के ऊपर एलिमेंट्स का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करके आप बहुत से अलग अलग सिम्बॉल्स, आइकॉन्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत से फ्री में है और कुछ कुछ वहाँ पे पेड में है। तो अभी तो हम फिलहाल के लिए पूरा फ्री वाले यूज करेंगे। तो आप ऊपर सर्च कीजिए फ्री, तो देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ चुके हैं। तो आप इसे इनमें से जो फ्री वाले आपको दिख रहे हैं वो आप यूज कर सकते हो। जैसे कि अभी ये वाला मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अगर आपको गलती से आपसे कुछ गलत सिलेक्ट हो जाता है यहाँ पे, तो आप उसे सिंपली सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ऊपर डिलीट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके उसे डिलीट भी कर सकते हो। तो इसी तरह आपको ई कॉमर्स के रिलेटेड आप कोई भी फोटोज कॉम्बो पैक आपको बनाने हो तो आप उससे मर्ज फोटो, अलग अलग प्रोडक्ट्स के फोटोज को मर्ज करके यहाँ पे आप अच्छे से कॉम्बो पैक बना सकते हो। तो और इसी के साथ आपको अगर ये इमेज डाउनलोड करनी हो तो अगर आपका काम पूरा हो जाता है, आपको लगता है कि आपको यही फोटो डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ पे सिंपली राइट हैंड साइड पे ऊपर डाउनलोड्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको 3 से 4 अलग अलग ऑप्शन है, PNG, JPG, PDF। आप PDF फॉर्म में भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो हमें अभी ये इमेज फॉर्म में चाहिए, तो इसीलिए हम PNG को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे डाउनलोड्स पे क्लिक कर लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इमेज डाउनलोड हो चुके हैं। ये इमेज आपके डाउनलोड्स के फोल्डर में रहेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से एक बहुत ही अच्छी क्लियर आपकी कोलार्स की हुई इमेज आपकी तैयार हो चुकी है, जिसे आप कौन से भी कॉमर्स पोर्टल पे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज, कहीं पे भी आप उसे अपडेट कर सकते हो। तो दोस्तों हमने अभी सीखा कि ई कॉमर्स पोर्टल्स के लिए कोलार्ज प्रोडक्ट कॉम्बो पैक्स के कोलार्ज फोटो कैसे बनाने हैं। तो चलिए दोस्तों आप सीखते हैं कि थंबनेल कैसे बनाना है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको होम पेज पे आने के बाद, कैनवा की होम पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में सिंपली यहाँ पे टाइप करना है यूट्यूब। अपने आप आपको यहाँ पे ये नीचे ऑप्शन दिखाएगा थंबनेल का, यूट्यूब थंबनेल आपको सिलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ ऑलरेडी बनाए हुए थंबनेल्स है जिसे आप यूज कर सकते हो, आपको सिर्फ उसे एडिट करना होगा। जैसे आप ये अलग अलग थंबनेल्स पे क्लिक करोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि कैसे उसे एडिट करना है। हम फिलहाल के लिए एक ब्लैंक एक नया थंबनेल क्रिएट करेंगे जो कि हमारे इसी वीडियो को अभी लगने वाला है। तो उसके लिए यहाँ पे ब्लैंक एक ऑप्शन है, ब्लैंक पेज का, यूट्यूब थंबनेल का, उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे बहुत ही अच्छे पहले से कुछ बनाए हुए थंबनेल्स है जिसे आप अच्छे से एडिट कर सकते हो। जैसे कि देखिए अभी यहाँ पे ये एक थंबनेल है जो कि म्यूजिक रिलेटेड है। तो अगर आपके वीडियोस कोई म्यूजिक रिलेटेड होंगे तो आप उसे इस म्यूजिक रिलेटेड कैटेगरी में सिलेक्ट करके यहाँ से देखिए आपको बहुत से म्यूजिक रिलेटेड थंबनेल्स मिल जाएंगे। चलिए हम अभी एक यहाँ से सिलेक्ट करके एक थंबनेल एडिट कैसे करना है वो सीख लेते हैं। अभी मैंने ये एक थंबनेल सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप हर एक चीज एडिट कर सकते हो। देखिए अभी यहाँ पे एक मेकिंग द परफेक्ट कप ऑफ कॉफी, ये इन्होंने जस्ट एग्जांपल के लिए आपको दिया हुआ है। आप सिंपली उसे सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो और उसी के ऊपर आप आपके ऐड हेडलाइन टेक्स्ट में जाके ऐड हेडलाइन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो। जैसे कि हाउ टू मेक कॉफी, इसे सिलेक्ट किया, इसकी साइज बड़ी बना ली, एंटर करके उसे नीचे ले आए। देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी हमारा हाउ टू मेक कॉफ़ी का थंबनेल तैयार हो चुका है। अगर आपको ये पूरा डिलीट करना है तो फिर से वही उसे सिलेक्ट कीजिए, डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, थंबनेल को भी डिलीट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों अभी हम जो इस वीडियो को लगने वाला थंबनेल है उसे बनाते हैं। तो हमारा जो थंबनेल रहने वाला है वो हाउ टू मेक पोस्टर, कोलार्ज इमेज और यूट्यूब थंबनेल इस टॉपिक के रिलेटेड रहने वाला है। तो उसके लिए मैं हमेशा मेरे थंबनेल बनाते वक्त एक येलो बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो यहाँ पे एक येलो बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे लोगो में जाके, अभी हम एक कैनवा की वेबसाइट पे बना रहे हैं तो हमें कैनवा के भी लोगो वहाँ पे लगाना पड़ेगा, जिससे जो व्यूअर्स है हमारे उनको समझ में आएगा कि ये कैनवा रिलेटेड वीडियो रहने वाला है। तो उसी के लिए यहाँ पे एलिमेंट्स में सर्च करके कैनवा सर्च कर लेता हूँ। देखिए आप यहाँ पे बहुत से फ्री कैनवा के ही लोगो अच्छे बने हुए हैं। तो उसमें से एक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका साइज बड़ा बना लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट पे ऐड हेडिंग पे क्लिक करके मैंने टेक्स्ट यहाँ पे डालना है, हाउ टू मेक YouTube thumbnail. Combo pack, images and marketing posters. आपको यहाँ पे सबसे पहले सब पूरा टाइप कर लेना है एक ही बार में, उसके बाद आप उसे आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मार्केटिंग पोस्टर, आपको यहाँ पे सही से सब कुछ पहले एडजस्ट कर लेना होगा ताकि आपका जो थंबनेल है वो अच्छे से लोगों को आसानी हो पढ़ने में। अभी हम YouTube थंबनेल रिलेटेड यहाँ पे अगर ये वीडियो बना रहे हैं YouTube थंबनेल रिलेटेड, तो यहाँ पे एक YouTube का भी लोगो आना चाहिए। तो यहाँ पे एलिमेंट्स में जाके YouTube सर्च कर लीजिए, तो आपको यहाँ पे YouTube का आइकॉन भी मिल जाएगा, इसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ अगर आप अभी यहाँ पे हम Amazon का भी लोगो ऐड कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे ये जो Amazon का जो सिंबल है ये अभी पेड में है, तो आप एक गूगल से कोई भी अच्छा सा लोगो डाउनलोड करके सेम प्रोसेस आप अपलोड्स में जाके वहाँ से वो इमेज अपलोड करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी Amazon का सिंबल ऐड करके रखा हुआ है, मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसे सिलेक्ट करने के बाद उससे पहले एडजस्ट कर लेते हैं। अगर देखिए दोस्तों, आपको आपने यहाँ पे जो भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको उसमें से भी कोई कुछ चीज़ें अगर आपको उसे कलरफुल बनाना हो तब भी आप वो कर सकते हो। जैसे कि आपने उसमें सिलेक्ट कर लिया यूट्यूब। अब यूट्यूब एक नॉर्मली रेड कलर में जल्दी से पहचान में आता है, तो यूट्यूब का जो वर्ड है उसे हम उसी रेड कलर में करते हैं। तो देखिए उसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर एक करके एक सिंबल है जो कि टेक्स्ट कलर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे आपको नॉर्मली बहुत से कलर दिए हुए हैं, पर अगर आपको और कलर चाहिए उसमें तो उसे आप टाइप कर लिख सकते हो। जैसे अभी मुझे रेड चाहिए तो यहाँ पे मैंने रेड टाइप किया और एंटर कर दिया, तो यहाँ पे रेड रिलेटेड कलर्स आ जाएंगे, उसे मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे यूट्यूब का जो लिखा हुआ है वो रेड कलर में आ चुका है। आप इसी तरह यहाँ से बहुत सी एडिटिंग कर सकते हो अलग अलग। और एक चीज़, जैसे कि यहाँ पे अभी हाउ टू मेक यूट्यूब थंबनेल का अभी ये हमने इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पे लैंग्वेज का कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपको कोई थंबनेल हिंदी या मराठी या आपके जो भी आपकी लैंग्वेज होगी आपको उसमें बनाना हो, तो उसके लिए आपको एक सिंपली न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पे गूगल पे इंग्लिश टू हिंदी टाइप करना है और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे पहली वेबसाइट आ जाएंगी indiatyping.com करके, उसे आपको सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे इनका ये जो टाइप करने का ऑप्शन है, बॉक्स बना हुआ है, यहीं पे आपको जो भी लिखना है उसे लिखना होगा। सिर्फ आपको यहाँ पे इंग्लिश में टाइपिंग करना है और स्पेस देना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि पोस्टर कैसे बनाए, अभी हमें ये लिखना है, तो उसके लिए पोस्टर की स्पेलिंग POS, कैसे के लिए आपको हिंदी जो वर्ड रहेगा उसी को आपको यहाँ पे टाइप करना है इंग्लिश में। पोस्टर कैसे KAISE बनाए, स्पेस दे दिया। देखिए अभी आपको इसे ही कॉपी कर लेना है और यहाँ पे टेक्स्ट में क्लिक करके ऐड हेडिंग्स पे क्लिक करना है और आपको उसे एडजस्ट करके वहीं पे आपको ये पेस्ट कर देना है। ये आपको इसे एडजस्ट कर लेना होगा एक बार, साइज ये सब चीज़ें। ये आप अभी ये सब चीज़ें आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड रहेगी कि आप ये सब कैसे बनाते हो। आप जितना अच्छा क्रिएटिव पोस्टर या थंबनेल बनाओगे उतना ही आपको जो रिस्पॉन्स है उतना आपको अच्छा मिलेगा। एक बार सब चीज़ें चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे और एक हम लाइन डाल सकते हैं नीचे, पोस्टर कैसे बनाएं फ्री में, तो उसे ही फ्री में सीखे, फ्री में कर लेते हैं इसे। कॉपी कर लेते हैं, फिर से ऐड हेडिंग, तो देखिए दोस्तों, हमारा अभी YouTube का थंबनेल रेडी हो चुका है। तो इसे आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड पे क्लिक करके यहाँ पे PNG, नॉर्मली हमेशा आप PNG सिलेक्ट कीजिएगा, क्वालिटी इसकी अच्छी रहती है, हाई क्वालिटी की इमेजेस मिलती है आपको। और डाउनलोड, हमारा ये बहुत ही अच्छा सा थंबनेल अभी यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। देखिए दोस्तों, अभी आप इसे कहीं पे भी आपके YouTube या आप Facebook पे भी मार्केटिंग के लिए जो पोस्टर बनाया हुआ है, थंबनेल बनाया हुआ है, इसे आप यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़, अगर आपको कोई बहुत ही बड़ा मतलब आपने बहुत सा काम करके बनाया है पोस्टर, बट आपको अभी लास्ट में अगर लग रहा है कि आपको उसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो उसे भी आप चेंज कर सकते हो। सिंपली से बैकग्राउंड को सिलेक्ट कीजिएगा और उसका कलर, देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर्स पे क्लिक करके आप उसे चेंज कर सकते हो। देखिए जब जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने एक पर्पल टाइप कलर सिलेक्ट किया हुआ है, ब्लू पर्पल। अगर मुझे ग्रीन चाहिए तो ग्रीन भी है, रेड का ऑप्शन है तो रेड के ऊपर क्लिक करना होगा। ऐसे यहाँ पे बहुत से ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप उनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। और उसी के साथ अगर आपको कोई ऐसा डिज़ाइनर बैकग्राउंड आपको रखना है तो उसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे बैकग्राउंड का ऑप्शन है, वहाँ उसके ऊपर क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे कुछ डिज़ाइनर बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे, उसे आप सिलेक्ट कर सकते फिर वहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे कि अभी देखिए ये वुडन टाइप एक है, उसके ऊपर क्लिक किया, देखिए वुडन टेक्सचर आ चुका है अभी यहाँ पे पीछे। और हमारा जो भी काम हमने जो भी किया है वो उसके ऊपर आया हुआ है। और फिर आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अभी ये भी एक है, ये देखिए ब्लू कलर में भी बहुत अच्छा है। ऐसे आपको मतलब यहाँ से जो भी पसंद आता है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और इसी के तरह आपको आपके बिजनेस के भी पोस्टर बनाने हैं। नॉर्मली सिर्फ आपको आपके कंपनी का नाम, कंपनी का लोगो यहाँ पे ऐड करना है, और आपकी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विस होगा उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको सब कुछ लिखना और क्रिएट करना होगा और डाउनलोड करना है। तो आपके कंपनी का भी पोस्टर तैयार हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये सब चीज़ें आपको फ्री में मिल रही है। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक ऑनलाइन सेलर ने इसका फ़ायदा कर लेना चाहिए मार्केटिंग में। यहाँ पे ऐसे बहुत से ऑप्शंस हैं जो आपको बहुत काम आएंगे। आपको सिर्फ सबसे यहाँ पे प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। आपको अलग अलग प्रैक्टिस करनी होगी। आप एक बार अगर इसमें एक्सपर्ट हो गए तो आप जैसे मार्केट में प्रोफेशनल जो पैसे लेके काम करते हैं वैसे आप यहाँ पे इमेजेस और पोस्टर एडिट करके बना सकते हो और आपका बिजनेस अच्छे से रन कर सकते हो। मैंने आज तक 2 से 3 सालों में मेरे ई कॉमर्स बिजनेस के लिए और यूट्यूब के लिए कभी भी मैंने कोई पेड सर्विस नहीं ली है। मैं हमेशा खुद से इसी वेबसाइट के ऊपर से थंबनेल्स और पोस्टर ये सब चीजें बनाता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। और इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स बिजनेस और होलसेल बिजनेस के बारे में हमेशा नई नई जानकारी जानते रहने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।